नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट भर्ती की वेटिंग की हम बात करेंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की। लेवल फर्स्ट की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी आगामी कोर्ट में होने वाली सुनवाई है उसके बारे में बात करेंगे। रीट लेवल टू को लेकर जो धरना बीकानेर में चल रहा है और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या EWS और MBC आरक्षण जैसे मुद्दे भी इसे रीट को प्रभावित करेंगे, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे इस रीट और अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित ताज़ा अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। न्यूज़ की ओर रुख करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट का जो विज्ञापन, या आप ये कहेंगे कि जो अलग अलग जिला परिषदों से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें कुछ डिले हुआ, उसका कारण जो भी रहा स्टाफिंग पैटर्न, इसका सबसे मुख्य कारण रहा कि कुछ जगह पोस्ट खाली नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे सभी जिला परिषदों ने अपनी ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल डालना जारी कर दिया है। कईयों की काउंसलिंग अभी चल रही है, कुछ कईयों में डिले हो रहा है और इन प्रतिक्रियाओं को लेकर जो है वो बेरोजगारों के प्रतिनिधियों से, सरकारी नुमाइंदों से उनकी बातचीत होती रहती है। कईयों ने अथक प्रयास किया, इसमें उपेंद्र यादव का नाम मैं मुख्य रूप से लेना चाहूँगा। उनके प्रयासों से काफ़ी कुछ सफलताएँ मिल रही है, लेकिन वेटिंग लेवल टू को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वहाँ काफ़ी समय से संघर्ष जो है वो इसको लेकर चल रहा है। बात करें हम लेवल फर्स्ट में जो 12 तारीख को होने वाली कोर्ट की सुनवाई की, तो इसे लेकर कई अभ्यर्थी आशंकित है कि यह प्रक्रिया जो है अभी लंबी चलने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, उससे पहले कहीं कोर्ट से व्यवधान उत्पन्न नहीं हो जाए। तो हम अपने अनुभव के हिसाब से देखें तो इस तरह की भर्ती जो है वो काफ़ी उच्च स्तर तक ये पहुँच चुकी है और अब इसके व्यवधान जो है वो उत्पन्न होने के चांस बहुत कम है, रेयर चांस है। क्योंकि जिस मामले को लेकर इस भर्ती की कोर्ट में सुनवाई हो रही है वैसे मामले सिमिलर केसेस जो है वो पहले दर्ज हो चुके हैं और उनको लेकर कई डिसीजन पहले जारी किए जा चुके हैं और उस डिसीजन के रेफरेंस के आधार पर ऐसे मामले जो है वो प्रथम दृष्टया या एक दो सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। इसमें आगे स्टे जैसी कोई स्थिति बनने की संभावना बहुत कम है, इसलिए इस मामले में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेवल वन की वेटिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप कृपया लेवल टू के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर प्रयास करें। अगर लेवल टू वालों को सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से आप लेवल वन वालों को भी ये सफलता आगे चलकर मिल सकती है। अभी फिलहाल MBC लेकर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस भर्तियों में क्या पोजीशन रहेगी, क्या उन्हें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ अन्य सवालों के जवाब लेकर हम शीघ्र ही फिर हाजिर होंगे एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें इन भर्ती समस्याओं से लेकर समाधान तक चर्चा करेंगे। इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।